उठाते हुए सब बोलिए हालेलुया, दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया। मेरे भरा का एक्सीडेंट हो गया सीगा, तो आई सी रूम बेच सी, बहुत सीरीयस सीगा, बोलता नहीं सी। मैं प्रभु के सेवका को प्रार्थना कराई, परमेश्वर की वेद दया हुई, प्रभु का धन्यवाद कर दिया, हूँ वो बिल्कुल ठीक है, बोलता आ। मैं प्रभु जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर दिया। ये है कि पिछले 10वें 9वें महीने में मेरा काम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया सी, ते मैं हिसाब ना फ्री सीगा, ते कोई काम नहीं मिलता, तो फिर पास्टर जी को प्रेयर करवाई, आप भी प्रेयर की, तो परमेश्वर ने 11वें महीने काम ना बहुत सारी बरकत दी। जय मसीह जी। मेरे पापा रे बहुत ज़्यादा शरीर के जख्म हो गए, दवाई ना आराम नहीं हो रहा, मैं पापा जी को दवा कही, बिल्कुल आराम आ गया।
जितने लोग आनंद विच हैं खुशी विच ना टोटाइए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया 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 परमेश्वर की बड़ाई हालेलुया करना पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना छड़िया ना करे ओनू याद करना पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना गम आउंदे भी ने गम जांदे भी ने ओ दुख टुटदे भी ने दुख मुकदे भी ने औला तो बादियो परमा मी बरसावेगा औला तो बादियो परमा मी बरसावेगा जेड़ा इतों तक लेके आया अगे भी लेके Thank you.
रब लो हाथ उठाइए धन्यवाद करें हालेलुया जेड़ा परमेश्वर साड़ी अगवाई करता है वह महान परमेश्वर है साड़ी अगवाई इको परमेश्वर करता है वो जिंदा प्रभु है जो हमारे बीच में है उसका धन्यवाद करें हालेलुया 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 परमेश्वर की बड़ाई करें परमेश्वर की महिमा करें हालेलुया आओ इसी गवाना मिलकर लगातार आराधना करेंगे परमेश्वर की बड़ाई करेंगे हालेलुया जिसे ना
Yes,
Magic.
जाने का लिया राजा, ऐसी जो
जिन लोग परमेश्वर की हजूरी में आराधना करने के लिए आए हैं खड़े हो जाए असी आराधना करांगे परमेश्वर की महिमा करांगे हाथ उठाते हुए धन्यवाद करांगे प्रभु का धन्यवाद करांगे आनंद से धन्यवाद करांगे यीशु का धन्यवाद करांगे हालेलुया प्रभु ने प्रभु का धन्यवाद करांगे हालेलुया यीशु जी का धन्यवाद करांगे हालेलुया वो देख रहा है उस तरह तख्त लग्या होया है उस इज़राइल दी स्तुतियां विच उस तथा विच मन भी अंदर
बैठ जाएंगे, हम सब भी बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो राज्य के असली वारस हैं, जो राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, यीशु के राज्य में आ चुके हैं, उन पर रोज रूह की बारिश होती है। उन पर रोज उन्हां दी अगवाई करता है यीशु। आप उन्हां दी अगवाई करता है। वो अच्छा जाली है। आई एम गुड शेफर्ड, मैं अच्छा जाली हूं। यीशु ने कहा है, और मेरे चेले, मेरे लोग मेरी आवाज़ नु सुनते हैं,
असी उसकी आवाज़ नूं सुनना है। आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की ज्योति मैं हाँ। तो जिहड़े यीशु दे पिछे चलते हैं कदे हनेरे विच नहीं चलणगे, उन्हां नूं अमृत जल देवांगा, उन्हूं आबे हयात बख्शांगा, वह अमृता नूं उदाले पा लैणगे, उसदीप जीवन दी वारस होणगे। सदीपक जीवन, अनंत जीवन, ना कदे खत्म होने वाला जीवन परमेश्वर ने अपने पुत्र के जरिए सानू दिता है, साढ़े मन छिपाया है। उसके वादे हैं, आकाश ते धरती टल जाएंगे पर मेरे वचन कदे ना टलणगे। कुछ लोग परमेश्वर ते शक करते हैं पर उन्होंने चाहिए कि सबर करना। हालेलुया, सबर करना, सबर करना, संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप नूं उहदे अधीन सरेंडर करके सबर दी दौड़नी है। सबर दे नाल भगती है, सबर दे नाल आशा है, सबर दे नाल ही असी प्रेम विच गड़ के ठुक के परमेश्वर दे प्यार विच चल सकते हैं। उहदे प्यार नूं, प्रभु यीशु मसीह नूं जिन्हें तौबा की है, बपतिशमा लिया है, उसने प्रभु यीशु मसीह नूं पहन लिया है, उहदे अगे वधदे जाना है, उहदे प्रेम च, उहदी सामर्थ च अगे वधदे जाना है। उत्तो अकल, उत्तो समझ, उत्तो ज्ञान, उत्तो बुद्ध प्राप्त करते अगे वधदे जाना है। असी भगती विच अगे वधदे जाना है। प्रभु की वडियाई, एक जोरदार ताली बजा के, एक बच्चे ताली बजा के, सब जान ताली बजा के परमेश्वर की वडियाई करिए, क्योंकि वह वडियाइयां दे योग्य है, वह आदर दे योग्य है, स्तुति दे योग्य है। लगातार पवित्र वचन च लिख सो हुण गवाईआं, सो समय के मुताबिक असी चलना है। सो आओ दुआ करांगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी वडियाई करते हैं। सब लोग प्रार्थना करें कि अज दी गवाईआं आत्मिक होण, जो मैं बोलां, मेरे बोलन तो परमेश्वर के नाम महिमा मिले, मेरे बोलन तो परमेश्वर नाम की वडियाई होए, मैं बोला परमेश्वर दिया धन्यवाद करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अज दी गवाईआं आत्मिक होण, सुन वाले ते कृपा हो जाए, तेरी वडियाई होए, बोलन वाले तेरी वडियाई कर। यीशु जी तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, एक दी उन्नति हो जाए, यीशु नाम च मंगदे आ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों से बोलना बोल सकता है, जल्दी जल्दी खड़े होना है, पैरों में जो कोई बोल सकता है गवाही, तो जल्दी जल्दी खड़े होना है, परमेश्वर की वडियाई करनी है। हाँ जी, शुरू करो। सत्कारयोग प्रभु जी, प्रभु जी दे खादम सारे भैन भरावान जैम सिंह दी, मेरी गवाही यह है कि पिछले 10वें 9वें महीने में मेरा काम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया सी, ते मैं सावना फ्री सीगा, ते कोई काम नहीं मिलता, तो फिर पास्टर जी को प्रेयर करवाई, आप भी प्रेयर की, तो परमेश्वर ने 11वें महीने काम ना बहुत सारी बरकत दी, ते जिन्हें भी पैसे रोज़ दी रोज़ कमाते सी, ते परमेश्वर दा बड़ी निम्रता नाल, बड़े आनंद नाल, बड़ी वफादारी नाल दसवंध कढ़िया, ते फिर उस पैसे नूं दुबारा फिर वरत्या, पर मैं परमेश्वर दा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करदा। सारे भैन भरावां जय मसीह। परम सत्कार योग प्रभु जी, बहुत ही आदर दे योग पास्टर साहबान, प्रभु की हजूरी में आई सारी संगत नूं मेरे वल्लों जय मसीह की।
अजीजो मैं दसना चाहुंदा हां कि मेरे बेटे ने टीचर का कोर्स किया सी 2 साल का, पहला बीए की, बीए तो बाद टीचर का कोर्स किया। तो पिछे 1 महीना होया कि अकैडमिया दे विच टीचर दियां पोस्टां निकलियां सी, जो फार्म भरे गए तो उस दे विच जो कास्ट भरी सी उन्हें क्रिश्चन भरिया, तो जो उन्होंने इंटरव्यू वास्ते बुलाया तो वो कहिंदे भी सानू क्रिश्चन टीचर नहीं चाहिए क्योंकि वो सिख अकैडमिया सिख बच्चे पढ़ते हैं तो उस 1-2 पीरियड रोज़ बच्चों पाठ सिखाना पैंदा कि वो सोचते सी भी जे क्रिश्चन बच्चा रखिए तो ये काम नहीं कर सकता। सो इस ही घर वापस आ गए, प्रभु जी का धन्यवाद कर किया। तो मैं दसना चाहना मेरे भैनों के भाईओ कि जे तुहानू परमेश्वर के नाँ च कि ठोकर वजदी है तो निराश ना होवो, ना घबराओ, सो खुशी मनाओ। तो इस दे नाल ही फैमिली प्रेयर शाम नू रोज़ करते होंगे सी, प्रभु जी को यही मंगते सी कि खुदा तेरी मर्जी पूरी होवे। तो मेरे भैनों भाईए 5 दिन बाद ही खुदा ने फिर उत्तर दिता, उस अकैडमी वाले ने बुला लिया कि साढ़े को टीचर की पोस्ट नहीं, तू डीपी की पोस्ट है खाली, तेन वह पोस्ट दे दें। तो जो फिर दोबारा सिलैक्शन हुई तो सिलैक्ट हो गया। तो हूँ 15 दिन हो गए कि एक कुल्लू मनाली जगह आ जिथे उन्होंने यूनीवर्सिटी आ उत्थे गया होया ट्रेनिंग करने वास्ते, तो 15 तरीक नूं उन्हें वापस आ जाना, तो नाल ही ज्वाइनिंग लैटर मिल जाना। मैं प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करदा। थैंक यू जी। तो दूसरी गवाही आ कि छोटे बेटे से थोड़ी परेशानी आई सी, खुदा ने उस परेशानी तो भी उन्होंने आजाद किया। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सब नूं जय मसीह, जय मसीह, हालेलुया, हालेलुया। सारी ग्लीसिया रब दे खादमा मेरे लिए जय मसीह जी। मेरे पापा रे बहुत ज्यादा शरीर के जख्म हो गए, दवाई ने आराम नहीं आ रहा, मैं पापा जी को दवा कही बिल्कुल आराम आ गया। सारी संगत और पापा जी जय मसीह जी, जय मसीह। सत्कार योग प्रभु जी, प्रभु जी दे खादम, प्यारी कलीसिया नू जय मसीह दी। खुदा दा शुक्र धन्नवाद करदे हां कि खुदा ने अपनी महिमा ते वडियाई लई खड़िया कीता। भैणो भाईओ मेरी अगवाई संडे दी आ, संडे जद खुशप्रीत नू असीं इत्थे छड्ड गए सीगे ते खुशप्रीत नू पापा जी जिद्दां घर छड्डण चले सी ते खुशप्रीत नू कहिंदे आ वी तुसीं प्रेयर करिया करो असीं तुहानू प्रभु जी गड्डी देण, ते खुदा ने इसे तरह ही किया। असी मोटरसाइकिल लैन वास्ते सोचते सी, असी सोचते ही कि मोटरसाइकिल असी चेंज करना, तो प्रभु जी ने सानू अल्टो गड्डी नाल बरक दी आ। खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हाँ। सब नू जय मसीह दी, आई हुई कलीसिया प्रभु जी खादमन जय मसीह की। भैन भाइयों मेरी गवाही यह आ कि मैनू कोई गलत चीज़ दी रही होंगी सी तो मैं खादमा नू क्या फोन करके पर भी नहीं ये तुहाडे लई नुकसान आ, तुसीं प्रेयर करो। भैन भाई सचमुच मैं प्रेयर की तो पर वो चीज़ दे नाल मेरा मसा बिल्कुल चल गया। मैं रो रो के दुआ की, मैं कहा प्रभु जी मैं तो कड़ी गलती हो गई जो मैं मसा नहीं आता। सचमुच भैन भाई वीरवार मैं इनिया 2 लाइटा पईया, मैं प्रभु ने अपने मसा नाल भर दिता, फिर तो मैं वो मसा आ गया। भैन भाई बाइबल च लिखा जो तुम प्रभु को मंगोगे वह तुम्हें मिलेगा। सचमुच प्रभु ने फिर मैं दोबारा वो मसा भी दिता, तो उस चीज़ तो निजात भी दिलाई। सतिकार योग प्रभु जी, प्रभु जी दे खादम, सारी संगत नू मेरे वलों जय मसीह दी। धन्नवाद परमेश्वर दा, अपनी आराधना विच लै के आंदा, अपनी गवाही लई तैयार कीता, प्रभु जी दा बहुत सारा धन्नवाद करदी हां। मेरी गवाही इह है मेरे भरा दा एक्सीडेंट हो गया सीगा ते आईसी रूम विच सी, बहुत सीरीयस सीगा, बोलदा नहीं सी। मैं प्रभु दे सेवका कोलों प्रार्थना कराई, परमेश्वर दी उहदे ते दया होई, प्रभु दा धन्नवाद करदे हां। हुण ओह बिल्कुल ठीक है, बोलदा आ। मैं प्रभु जी दा बहुत ज़्यादा धन्नवाद करदी हां। जदों प्रभु दे सेवका ने प्रार्थना कीती, परमेश्वर ने उसे समय मैनूं दिखाया उहदा बैड दिखाया, तो वो आले दुआले 6-7 दूत उतरे तो उन्होंने उन्होंने घेरा पा लिया। मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ, प्रभु के सेवकों का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ। अज सवेरे की गवाही आ, मैं प्रभु के सेवकों को गई, मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान सगा, अपने भरा वालों थोड़ी टेंशन करती सी, तो जो रब के सेवकों के नाल जाके मैं गलबात की, उन्होंने मैं वचन चो भी गल सुनाई, तो मेरे वास्ते प्रार्थना की, मेरे भाई लिए भी प्रार्थना की। मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ। मेरा मन बिल्कुल ठीक हो गया, सारी परेशानी मेरी दूर हो गई, तो मैं प्रभु ने अपनी आराधना लिए तैयार किया। मैं प्रभु जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती, प्रभु के सेवकों का धन्यवाद करती हाँ, सानू अपनी आराधना में लैके आंदा। मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती, प्रभु के सेवकों का धन्यवाद करती। सब नू जय मसीह दी, जय प्रभु जी दे खादम और सारी कलीसिया नू जय मसीह दी। मेरी गवाही एक गवाही तो बहुत चिर पहला देनी, मेरे को आया नहीं गया।
मेरी गवाही है कि मेरी बेटी की शादी हुई, परमेश्वर ने मेरिया सारिया लोड़ा जरूरतों स्वर्ग तो पूरिया किया। बहुत परेशानी जो व्याह रखा तो भोलेपन से थोड़ा जहा ही कहना पता नहीं की बनना, इन्ना खर्चा भी करना पता नहीं की कर होगा, पर रब के दास मेरी बेटी लिए बहुत प्रार्थना सारी संगत करती रही, मेरी बेटी बहुत खुश अपने घर। बाकी दूजे भी सारे बरात लेट आई तो कह भी पास्टर सदो तो निकाह आप पैलेस करिए, ये डैडी कहते नहीं अं जो भी रब के दासा गलबात की असी निकाह चर्च च ही करना वा, तो चर्च के निकाह किते उस बेटी सानू बहुत सारी आशीष से बरकत मिली, वो बेटी अपने घर बहुत ज्यादा खुश है, असं बहुत ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद रब के दासा जैम सिंह सारी संगत न जैम सिंह जैम सिंह। इस भवन के आई हुई कलीसिया मेरे वालों सब न जैम सिंह की रब के संतान जैम सिंह की मेरी गवाही ये भी इस वीरवार की भी मेरे से ना पिछले दिन अगू मुश्किल आ गई हैगी, एक बजे जाके ना फिर मेरी धड़कन बढ़ गई तो ज़्यादा तंग मैं हो गया है, फिर रब के संतों को दवा कराई तो फिर मैं थोड़े चिर बाद शांति मिल गई, शांति मिल गई उस तो बाद घंटा डेढ़ आप दवा करते रहे, चलो उदा तो रोज़ करी दी पर वो टाइम बहुत औखा है, तो प्रभु ने बहुत ज़्यादा मदद की साड़ी बहुत ज़्यादा मदद की आ, तो उस तो बाद फिर अमन शांति ना शांति एक बजे रात रात की गल आ सब नू भैन भाइयों नू जैम सिंह की रब के संतान नू जैम सिंह की जैम सिंह की हालेलुया सारी संगत नू जैम सिंह दी रब के दासा नू जैम सिंह दी। राती मैं जिदा बल्ब अंदर जगन डिया सी रसोई दे विच मैं कहा चल बाहर कढ लैनी आ ते थले मैं खुरसी रख ली ते खुरसी तो रख के तो मैं सलफ ते हाथ रखिया, सलफ ते जद मैं हाथ रखिया तो सलफ थले डिग गई तो मैं भी नाल ही डिगी थले, दो गिठा सलफ टुटी तो मेरी अख दे विच सरिया लगना ही जां मेरा सर मूँह पट जांदा, रब ने अपने पवित्र हत्थां दे नाल मैनूं संभाल के रखिया वा, सेवका दा धन्नवाद, सेवक रात दिन दवावां जिहड़ियां करदे साडे वास्ते, प्रभु दा धन्नवाद है जिहड़े सानूं संभाल के रखदे आ, सारी संगत नूं जैम सिद्धी रब दे दासां नूं जैम सिद्धी। सत्कारयोग प्रभु जी दे खादम आए हुए सारी संगत नूं जैम सिंह जी परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उन्हें अज तक संभाल के रखे अपनी आराधना चाहुण दा समय दिता। भैन भाइयो मेरी गवाही इस तरह है कि असी घर विच काफ़ी रंग का काम शुरू सीगा ते शुरू तो ला के अंत तक प्रभु दे हत्थां विच दिता और रब दे खादमा को प्रार्थना करके काम ने शुरू किया, परमेश्वर ने शुरू तो ला के अंत तक साड़ी सारी मदद की, सारे खर्चे का इंतजाम किया, प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी गवाही मेरी है कि मेरे बेटे आप सब नूं पता है कि बेटा परदेश विच राजन ते काफ़ी वो लक विच मुश्किल आई तो भैन भाई बेटे का वार बार फोन आता सीगा, दसदा नहीं सी जो गल करता हुंदा सी ते मैनूं मूँह तो पता लग जांदा सी राजन ठीक नहीं आ, मैं ही कहिंदी राजन की गल कहिंदा मम्मी बस थोड़ी जी दर्द आ थोड़ी जी दर्द आ, भैन भाई मैं रब दे खादमा को प्रार्थना कराई, परमेश्वर ने मैनूं उस टाइम ही मेरे नाल आत्मा द्वारा गल की कि विश्वास करके कि परमेश्वर ने उन्हें चंगियाई दिती आ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर दी कि भैन भाई जदों असी विश्वास के नाल प्रार्थना कराने तो उस तो बाद सानू धन्यवाद ज़्यादा करना चाहिए कि परमेश्वर उस काम को पूरा कर देता है, असी प्रभु जी का धन्यवाद कर दे। प्रभु जी कर जो प्रभु जी दे खादम सर प्यारी संगत सारियां ने मेरे वालों जैम सिंह दी मेरी गवाही भैनों भाई ये है कि मेरी मम्मी ठीक नहीं सके, उन्होंने ऑपरेशन होया सी तो ज़्यादा ही बीमार हो गए, जिदा हफ्ता तो ठीक रहे तो मुड़ के ज़्यादा बीमार हो गए, मेरे को दो दिन बंदगी तो नहीं आ होया, मैं बहुत ज़्यादा अरदास सी परेशान सी, मैं कहा प्रभु जी मैं बंदगी तो जाना वा तो मेरे तो जा नहीं हुंदा, ते शनिवार दीदी ने फोन किया शामा नूं कहिंदे भैन जी तुहाडी सेवा लगी आ, तो मैं उन्होंने दस दिता, मैं कहा दीदी जी मेरी उदा तो कोई भी ढिल नहीं गी, तो मैं कहा मेरी मम्मी ठीक नहीं गए, तो मैं कहा मैं तो आ नहीं होना, कहिंदे चलो ठीक है भैन जी भी मैं होर किसी भैन जी की सेवा ला दिनी हाँ, तो मेरे मन में अरदास बड़ी सी तो रात को मैं प्रार्थना की, मेरा मन बहुत ज़्यादा अरदास सीगा, मैं कहा प्रभु जी मैं कि बंदगी दे ढिली ना पै जावा, मेरी मदद कर मेरी मम्मी नूं चंगा कर, मैं तेरी बंदगी दे जावा, जो मैं इदा प्रार्थना कर दी खुदा दे दासां दे मैनूं दर्शन होया कि जोश बहुत ज़्यादा रोंदा खुदा दे दास उन्हूं दबका मारदे आ, तो मैं उदा ही स्वीकार किया, मैं कहा प्रभु जी तेरी आवाज़ है, तेरे दासां ने मैनूं पहला ही बोल के कहा सी
कि भैन जी कितने ढिले ना पै जो सचमुच प्रभु मेरी मदद कर मैं तेरी बंदगी से जाना। सुबह उठ के भी मैं प्रार्थना की थी, मैं कहा प्रभु मैं तेरी आराधना से जाना, मेरी मदद कर। मैं प्रभु अगे बहुत ज्यादा तरले पाए, प्रभु मेरी मदद कर, मैं ते दया कर, मेरी सेवा लगी आ, खुदा ने मेरी मदद की थी। मैं घरों लेट तो हो गई, फल मेरी प्यास बहुत ज्यादा सी। जो मैं घरों प्रार्थना की थी, मैं छोटी जी प्रार्थना करके तरपी, मैं कहा प्रभु जी मैं इदा पहुँच जावा कि जिदा तुम मैनू चक के लै गए हैं। जो मैं इदा प्रार्थना करके तुरी, मैं हजे अड्डे ते आई तो उधरों हैप्पी आ गया। हैप्पी ने मैं कहा हैप्पी मैंने समान परत कर लै जा। जो हैप्पी समान परत कर लैके आया, हैप्पी इतने ही तार गया चर्च के आण के। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, खुदा के भवन में आए, बहुत सारी बरकत पाई, बहुत सारा आनंद पाया। मैं प्रभु का लख लख वारी धन्यवाद करती हाँ कि खुदा दया दासा दया कहे हुए बोल मेरी जिंदगी हर वेले काम कर दे। मैं जो प्रार्थना करती वह वचन मेरे याद आता, वह गल मैं याद आती कि प्रभु सचमुच असी कितने ढिले ना पै जाइए, सानू मजबूत कर। सारे भैन भाइयों जैम सी दी, खुदा दया दासा जैम सी दी, जैम सी की हालेलुया। सत्कारयोग प्रभु जी, प्रभु दे खादम प्यारी संगत नू जैम सी दी, खुदा दा धन्यवाद होवे कि मेरी पिछले संडे की गवाही आ। बचन तो बाद जो खीरला गाना चलता सी तो मैनू दर्शन होया कि मेरे मोहरे एक थाली उतरी आ, उस दे विच इदां दी रोटी आ। जो मैं रोटी तो रोटी चक्की आ तो बिल्कुल घे दे नाल ऐ मसा होई होई नुचड़दी आ। प्रभु जी का धन्यवाद, ये दर्शन मैनू बहुत सारे अगे भी होए सी। दूजा दर्शन मेरा ये आ खुदा दे दासां ते कवैद पार्टी ते, एक चिट्टी चादर घूम रही मैं दर्शन हो देखिया खुदा दे। सारी संगत नू खुदा दे संतां दे जैम सी, जैम सी की हालेलुया, हालेलुया। जैम सी दी संतां नू, जैम सी दी सारी कलीसिया नू, मेरी गवाही ये है कि मंगलवार ना पूजा बहुत ज्यादा बीमार हो गई सी, ते बच्चे भी बीमार होंदे ही, ते मैनू इदा ना पता लगता हुंदा सी भी जिदा साडे वेड़े विच कोई घूमदा वा। परसों रात मुंडा हो गया, कल फिर कुड़ी हो गई, तो पूजा इस वक्त ठीक ठाक आ। तो दो जने नू खिंचदे सी जिदा फिरस्ते नू खिंचदे ने। मैं रो रो के प्रार्थना कीती तो मुड़के मैं इन्हां को प्रार्थना संतां को कराई, तो नाल ही इहदे दूत गए, तो बड़ी सोहनी इहनू दर्शन होए, तो उतों ठीक ठाक मुड़के अपने घर वापस आई। सारी संगत नू जय मसीह दी, जय मसीह की हाले, श्री विड़ाई करांगे। जो प्रभु साडे विच है, वो साडे नाल है, वो साडी अगवाई करदा। हाले सब बोलिए हालेलुया, दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया, परमेश्वर की वडियाई होए। सचमुच तुसी अच्छी गवाइयां सुनिया हन, परमेश्वर का धन्यवाद होवे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने परेशानी नूं हटाया है, और अपने नाम के कारण, अपने नाम विच आपने ब्लैस किया है। परमेश्वर की वड़ाई होए, हालेलुया। परमेश्वर के कोलों सचमुच सानू वड्डियां गल्लां की आस रखनी चाहिए है। छोटिया छोटिया चीज़ां रोज़ बरोज़ परमेश्वर सानू मुहैया करता है। हालेलुया, क्योंकि जे मंगना है, जे परमेश्वर के कोलों कुछ लेना है, तो वड्डियां गल्लां की आस रखो। हालेलुया, तुसी बाइक की आस रखते हो तो तुहानू गड्डी मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो कितनी अच्छी गवाही है, असीं वड्डियां गल्लां की आस रखिए। एक छोटी छोटी नौकरी वास्ते असीं तरदद करते हैं, परमेश्वर को वड्डा काम मंगिए, वड्डी जॉब मंगिए, परमेश्वर की महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो आस रख के मंगीए, तो आस कदे शर्मिंदा नहीं करती। जोरदार तालियां बजा देंगे, परमेश्वर शर्मिंदा नहीं करता, ना शर्मिंदा अपने भगतों नूं होण दिंदा है। परमेश्वर की वड़ाई होए, परमेश्वर की महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। सुख छोटा जिहा भजन गावांगे, उस तो बाद असीं परमेश्वर के वचन च सुणांगे, परमेश्वर की कलाम सिखांगे, परमेश्वर की बाणी सिखांगे। हालेलुया। सानू फिकर है आपो अपनी, सानू फिकर है आपो अपनी, सानू फिकर है आपो अपनी, सानू फिकर है
आपो अपनी सानू फिकर है आपो अपनी तेनू फिकर है जहान दा की मंगा तेरे कोलो यीशु जी तू ते जात मैनू मिले गई तेरे नाल लगे यारी रूह मेरी खिल गई मेरे गुनाह तो नजात मैनू मिले गई अजूब ते वांगरी ना डोला मैं अजूब ते वांगरी ना डोला मैं रखा तू मेरे ईमान दा यीशु फड़दा हर एक दी जंग आप लड़दा दुखी ते बीमारा उते हाथ यीशु फड़दा सानू फिकर है आपो अपनी 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 तेनू फिकर वचन तेरे जो दिल च बसाउंदा बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा वचन जो तेरा दिल च बसाउंदा खोज करे जो स्वर्ग राज दी खोज करे जो स्वर्ग राज दी ओ जाओ जिंदगी च खड़े जावांगे असी परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बाणी परमेश्वर के खादम के कोलों सुनांगे परमेश्वर के सेवक पासों सुनांगे ता जो सानू बड़ी सारी बरकत मिल जाए जिहदी उड़ीक विच बैठे हैं जिते आस लिखाई है वो परमेश्वर है आओ असी सारा समा खुदा सेवका दें परमेश्वर की वड़ाई हो धन्यवाद हालेलुया सब लोग
अपने दिल नूं खोलिए, धन्नवाद करिए प्रभु जी दा। हालेलुया राजा जी, तुहाडा शुक्र है प्रभु जी, तुहाडा धन्नवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, तुहाडा धन्यवाद मेरे यसु जी, तुहाडी स्तुति हो। हालेलुया रीबा रबा 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 राजा प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, अपने दिल नूं खोल के धन्यवाद करिए। हालेलुया उच्ची आवाज़ नाल धन्यवाद करिए। हालेलुया अपने वास्ते मंगिए कि प्रभु जी अज दा वचन मेरे वास्ते होवे। हालेलुया ऐ मेरे यसु, मेरे प्रभु, मेरे राजा जी, तुहाडा शुक्र है खुदावंद, तुहाडा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, यसु मसीह तुहाडा धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, यसु राजा तुहाडा शुक्र है, आए खुदावन तुहाडा धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, तो ही है हमारा तो ही है
तरफ धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने हाथों उठा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया थोड़े समय के वास्ते अपने वास्ते दुआ करिए। धन्यवाद अपने वास्ते मांग लीए कि प्रभु जी अज का वचन मेरे वास्ते होवे, मेरी शांति मेरी तसली मेरी उन्नति वास्ते होवे। हालेलुया मेरी कमजोरी ने धन्यवाद। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 राजा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद। हालेलुया स्तुति के योग। हालेलुया ओ जीसस ओ राजा जी थोड़ा धन्यवाद। हालेलुया प्रभुओं के प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद। हालेलुया 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 आनंद प्रभु जी तेरा आनंद प्रभु जी थोड़ा पवित्र आत्मा एक जीवन च बड़े जोर ना कम करे एक प्रभु जी आए खुदावन थोड़ा आत्मा यसु नाचे शुले। हालेलुया 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 राजा जी थोड़ा शुक्र है आए खुदावन जी थोड़ा धन्यवाद 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 बोलो हालेलुया ऐसे नहीं दबा के हालेलुया। सो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद हुए बहुत अच्छे तरीके ना गवाइयां हो रही सी हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत आत्मा विच भर के बोलिया और बहुत सारे लोगों पर प्रभु ने दया की बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिलया और बहुत सारे लोगों की आत्मिक गवाही सी। सो इन सारिया गलों के वास्ते असं प्रभु को बड़ियाई दें। हालेलुया बोलो हालेलुया क्योंकि सब कुछ कौन करता है बोलो कौन करता है प्रभु करते हैं पुत्र आत्मा करते हैं। हालेलुया सो अजीजो असी कमजोर है जिस तरह यसु मसीह ने आख्या मेरे तो वक्रे हो के तुसी कुछ भी नहीं कर सकते सचमुच असी कुछ भी नहीं कर सकते ये गल बिल्कुल सच है क्योंकि असी बोलो की है इंसान बोलो असी की है इंसान है। हालेलुया सो प्रभु जी साडे वास्ते बहुत वड्डे वड्डे काम कर सकते असी विश्वास करना है असी जो हमेशा ही प्रभु दे लोग विश्वास करते हैं। मैं इन्हां हफ्तों में इस पिछले बीते हफ्ते में प्रार्थना कर रहा सीगा वचन पढ़ रहा सीगा और वचन पढ़ के मैनू बहुत एक सामर्थ मिली बड़ी सारी ताकत मिली कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। अज सुबह प्रभात के समय और उस समय एक छोटा जा मैसेज बोलिया सो बड़े सारे लोगों ने बड़े ध्यान न सुनिया जो ध्यान न लोग सुनते हैं उदो बरकत मिलती है क्योंकि संत पॉलस जी वचन बोल रहे हैं और एक 38 साल का जो नौजवान वो कदे भी नहीं तुरिया वो लत्तां काम ही नहीं सी करदियां ध्यान न सुनिया। हालेलुया एक नौजवान कितनी उम्र है जी 38 साल का वो अपने बचपन तो चलिया नहीं है लेकिन परमेश्वर का बंदा की कर रहा है वचन बोल रहा है और नौजवान बड़े ध्यान न सुन रहा है और परमेश्वर के दास ने देखा कि हम नेचा काम कर रही है की है जी विश्वास काम कर रहा है आत्मा काम कर रहा है और परमेश्वर के दास ने बड़े विश्वास न बोलिया उठ के खड़े हो जा की बोलिया है उठ के खड़े हो जा ते नौजवान ने की किया जेड़ा बचपन चो नहीं सी चलिया जिहदियां लत्तां चलदियां नहीं सीगियां डेड सी लत्तां परमेश्वर का बंदा कहिंदा उठ के खड़ा हो जाए और नौजवान ने की किया उठ के भज तुरिया। धन्यवाद हालेलुया। हाँ जी ये विश्वास है बोलो ये की है निश्चा है जिहड़े लोग वचन नूं मन ला के सुनते हैं उन्हां दे विच प्रभु दा आत्मा काम करता है प्रभु दी सामर्थ जिहड़ी है वचन दे वसीले नाल काम करती। अजीजो मैं बड़े ही जोर नाल कहांगा कि प्रभु दा वचन बहुत ध्यान नाल सुनो। हालेलुया बड़े ध्यान नाल प्रभु दा वचन सुनो तुहानूं हर एक बीमारी तो हर एक चीज़ तो छुटकारा मिलेगा बोलो हालेलुया। सुनिए जीवन में दुख दर्दा ना आना बहुत ही जरूरी है अगर दुख नहीं आएगा तो असी भी कुछ सीख नहीं सकते साढ़े सीखने वास्ते इन दुखों का आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इब्रानियां 12 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ के देखो वचन में सानू पता चलता है कि प्रभु अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हैं। हालेलुया
जिस तरह एक जिस्मानी बाप अपने पुत्र नूं झिड़कदा है, अपने पुत्र नूं ताड़दा है, उन्हूं सिखाउंदा है, इसे ही तरह स्वर्ग का परमेश्वर भी अपने बच्चों नूं दुख दर्द विच जान दिंदा है, सिखाउंदा है और छुड़ाउणा भी की है जानदा है। हालेलुया। सो आइए असीं बचन पढ़ांगे, बचन चों सिखांगे। हाँ जी, यूहन्ना दी अंजील 9 अध्याय उहदी 35 आयत तो पढ़ना नहीं मैं, हाँ जी इत्थों सिख पढ़ना सी, अजे पढ़ना नहीं है। हालेलुया। हाँ हाथ हलाइए। हालेलुया। जदों हाथ हलाउंदे आ तो तुहाडा ध्यान किते नहीं जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, असीं देखते हाँ बच्चे चो सिखांगे, जदों यीशु मसीह संसार उत्ते आए, अजीजो यीशु मसीह ने प्रचार किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह ने की है, यीशु मसीह ने प्रचार किया, यीशु मसीह ने वड्डे वड्डे काम किए, यीशु मसीह ने बड़े सारे, हाँ जदों यीशु मसीह संसार उत्ते आए तो यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा मकसद सीगा। बोलो यीशु मसीह का की है एक मकसद सी, लोगों नूं की है पाप तो आजाद करना है, लोगों नूं स्वर्ग दी गल्लां सुनाउणियां, स्वर्ग दे नाल परमेश्वर दे नाल लोगों नूं की है जोड़ना, यह यीशु मसीह का मकसद सी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह का की मकसद सीगा, पाप दे विच फसे हुए लोगों नूं की है आजाद करना है, पाप दे विच फसे हुए लोगों नूं की है पाप का जाणू कराउणा है, पाप की है माफ़ी मंगनी है, पाप की है माफ़ी मंगनी ते माफ़ी मिल जाती है, ये यीशु मसीह का काम सीगा। यीशु मसीह इस मकसद नूं पूरा करना है क्योंकि पाप दे विच बंधन दे विच फसिया है जिहड़ा इंसान वो आजाद नहीं सी हो सकता, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कुरबानी दे दित्ती, अपने छुटकारे दे नाल ओ परमेश्वर दे इंतजाम दे नाल इंसान नूं आजाद कीता। हालेलुया। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਆਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਉਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤੁਤੀ ਹੋ ਸਤੁਤੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ,
एक अन्ना आया जेड़ा जन्म तो ही अन्ना सीगा, हुणे बच्चा नहीं सी हुणे वड्डा सीगा, और यस मसीह ने उन्हें चंगा कर दिता। अजीजो यस मसीह ने उन्हें चंगा कर दिता, और बहुत सारे लोग बड़े हैरान सीगे। एक जड़ा बंदा है जे उहदी नजर चले गई तो उन्हें वो ठीक हो सकता है, लेकिन जड़ा जन्म तो अन्ना है, लोगों का यह मनना सी, लोगों का यह कहना सीगा जड़ा कि जन्म तो अन्ना है वह नहीं ठीक हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोग शक विच सीगे, फरीसी लोग, फकी फरीसी, शरा नूं जानण वाले, जिहड़े कि बड़ा अपने आप विच घमंड करन वाले कि असी खुदा दे लोक, असी शरा नूं पूरा करन वाले, उहनां नूं विश्वास नहीं आ रहा। उहनां ने उस अन्ने नूं सद के उहदे कोल पुछया, और अन्ना फिर चला गया। अन्ने नूं जदों सद के उहनां ने पुछया ते उहनां ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਛੇਕ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਰੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਯਸ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ? ਬੋਲੋ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਸੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ 9:35 ਆਇਤ।
यीशु ने सुनिया हां जी जो उना ओनु हां जी चेक दिता यीशु नु जदों पता लगा के फरीसी लोका ने धर्म नु जानण वाले लोका ने उस अन्ने नु अपने विचों कढ़ दिता है अपने जो दूर कर दिता है अपनी बस्ती चो दूर कर दिता है अपनी कौम तो दूर कर दिता है हां जी अते ओनु लब के आख्या यीशु मसीह ने ओनु लब के उना गलबात कीती है हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह ने ओनु की है लब लिया बोलो यीशु मसीह ने ओनु की है लबया हां जी लब के पूछया हां जी की तू परमेश्वर दे पुत्र उते हां नेचा करदा है यीशु मसीह ने कहा तू परमेश्वर दे पुत्र उते विश्वास करदा हां जी ओने उत्तर दिता उसने बोलिया प्रभु जी हां जी वो कौन है हां जो मैं उस उते नेचा करा हां जी इथे एक गल है अन्ने नु यीशु मसीह ने चंगा कर दता है वो दस रहा है कि मेनू यीशु ने चंगा किया लेकिन जिहड़ी खास गल है वो ए है कि ओनु ए नहीं पता कि यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र है हालेलुया हालेलुया अन्ना ए नहीं जानता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ए जरूर लोगों नू दस रहा कि मैंने यीशु ने चंगा किया की दस रहा है जी मैंने यीशु ने चंगा किया लेकिन ए नहीं जानता कि यीशु परमेश्वर का की है पुत्र है और जब यीशु मसीह ने उन्हें पूछा कि तेनू यीशु मसीह ते तेनू परमेश्वर के पुत्र ते भरोसा है वह कहता वह कौन है अन्ना कहता वह की है कौन है पढ़िए इस वचन यीशु ने उन्नु आख्या हाँ जी तैं उसनु वेख्या भी है हाँ जी यीशु मसीह ने की आख्या तू उन्नु देखिया है हाँ जी ओ परमेश्वर दे पुत्र नु तू देखिया है जेने तेनु चंगा कीता हाँ जी नाले ओ जो हाँ तेरे संग गल्ला करता है जो तेरे ना गलबात कर रहा है ओ परमेश्वर दा की है पुत्र है हालेलुया हालेलुया हाँ जी ध्यान ना सुनना है जब ध्यान ना सुनोगे फिर ही हालेलुया निकलना है जे ध्यान ना सुनया नहीं तो हालेलुया भी नहीं निकलना हाँ जी बहुत रुचि होनी चाहिए है जे तुसी कहोगे तो मैं 5-7 मिनट बोलांगा तो बंद कर देना है काफ़ी है ना ज़्यादा सुनना है तो फिर तुहाडा इंट्रस्ट भी जिहड़ा है वह वधिया तरीके नाल होना चाहिए है सुनोगे ध्यान ना तो प्रभु स्वर्ग तो वचन देवेगा हालेलुया परमेश्वर का बंदा कौन है कि तुहाडे दिमाग में गल्लां पा दे एक परमेश्वर का आत्मा है जिहड़ा सिखाउंदा है हालेलुया हालेलुया हाँ जी अन्ने नूं यीशु मसीह ने जदों बोलिया कि तू ओहदे नाल गल कर रहा है जिहने जिहड़ा परमेश्वर का पुत्र है हाँ जी तां ओह बोलिया हाँ जी प्रभु जी हाँ मैं नेचा करदा हाँ हालेलुया हालेलुया हाँ जी जदों ओहनूं इस चीज़ की समझ लग गई भेत उत्ते खुल गया कि यीशु जिहने मैनूं चंगा किया परमेश्वर का पुत्र है कहिंदा प्रभु जी मैं विश्वास करदा हाँ ठीक होने वास्ते एक जिस तरह हॉस्पिटल के लोग जाते डॉक्टर को जाते इदा आते हैं ठीक होके अपने घर में क्योंकि डॉक्टर ने ठीक कर दिता हूँ उत्थे ही थोड़ा रहना है हूँ कितने जाना है जी घर में जाना है बोलो किन्ने ठीक किया है यीशु मसीह ने उस तो बाद कितने जाना है जी हूँ घर ही रहना है हूँ नहीं किसी को दसना क्योंकि हूँ तो असं चंगे हो गए मकसद पूरा हो गया जेड़ा भी काम सीगा पूरा हो गया अन्ने उत्ते भेत नहीं खुला कि यह परमेश्वर का पुत्र है सो जीसस साडे ते भेत इस चीज़ का खुल गया है कि यीशु मसीह चंगा करता है यीशु मसीह परमेश्वर का बोलो की है जी पुत्र है यीशु मसीह खुद की है परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया हाँ जी आगे पढ़िए अते उसने मत्था टेकया हाँ जी उन्हें पहला ये मनिया कि प्रभु जी मैं विश्वास करता है उस तो बाद उन्हें की है मत्था भी टेकया हाँ जी यीशु ने आख्या हाँ जी मैं न्याय लई हाँ इस जगत विच आया पई जेडे नहीं वेखते हैं हाँ जी हालेलुया यीशु मसीह ने आख्या मैं इस जगत विच न्याय करने वास्ते आया न्याय इस चीज का है कि अज बहुत सारे अन्ने हैगे आ बहुत सारे अन्ने जेडे नहीं जानते अन्ने नूं दिसदा नहीं इस करके उन्हें नहीं पता भी ये बंदा कौन है अगे मेरे नाल कौन गल कर रहा है अन्ने अन्ना देखता नहीं है अन्ना इस करके जानता नहीं है यीशु मसीह कहते इस जगत में बहुत सारे अन्ने हैगे आ जिहड़े परमेश्वर के पुत्र नूं नहीं जानते जिहड़े परमेश्वर नूं नहीं जानते सो इस करके मैं न्याय करने वास्ते आया मैं ये काम करने वास्ते आया कि लोगों दी अखां खुल जाण चानण हो जाए दिलों नूं रोशनी हो जाए अंदर चानण हो जाए और लोग यीशु मसीह
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ 37 ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਉ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਅਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਧਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਜਾਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਚੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਜਾਖੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਿਉ ਲਈ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਜੀਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਮ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? 10 ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੋ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਤ ਖੋਲਿਆ ਕਿ 10 ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ 11ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਔਰ 11 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁਛ? ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ 2, 4, 10, 11 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਖੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਅੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 17:9 ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਪੜਨਾ, ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀਏ, ਇੱਥੇ ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਯਸ਼ ਮਸੀਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ ਨੂੰ।
मैं उन्हां लई बेनती करदा हां, मैं उन्हां दे वास्ते प्रार्थना करदा हां, मैं जगत दे लई नहीं, मैं सब दे वास्ते प्रार्थना नहीं करदा, पर उन्हां लई बेनती करदा हां, हां जी, जो तैं मैनूं दित्ते सन, जो तैं मैनूं दित्ते सन, जेड़े तू मैनूं दित्ते है, मैं उन्हां वास्ते दुआ करदा है। इहदा मतलब यह है कि जेड़े परमेश्वर ने चुने है, चुन के यीशु मसीह नूं दित्ते है, यीशु मसीह कहिंदा उन्हां वास्ते मैं की है दुआ करदा। सो अजीजो जे यीशु मसीह साडे वास्ते दुआ करदे, परमेश्वर ने सानूं चुनिया है, परमेश्वर ने सानूं चुन के यीशु नूं दे दित्ता है कि यह रूह यीशु दे गले दी हो गई और उन्हें दया कर दिती है, उन्हें काम कर दिता है, लेकिन असी काम नहीं कर रहे तो फिर वालों असी की है। यीशु मसीह अपना काम कर रहे, यीशु मसीह की कर रहे, दुआ करते कि वास्ते करते है जी, जिहड़ी रूह परमेश्वर ने चुन ली है, चुन के प्रभु नूं दे दित्ती है, यीशु मसीह उहदे वास्ते दुआ करते। तो असी नहीं करते, असी उहदा काम नहीं करते, तो बोलो असी की है, बोलो असी की है। हाँ जी, अन्ने नहीं रहना अज तो लैके, अजीजो साढ़े वास्ते यीशु मसीह काम कर रहे, यीशु मसीह साढ़े वास्ते सिफारिश कर रहे, यीशु मसीह साढ़े वास्ते काम कर रहे, लेकिन अन्ने वास्ते नहीं करनगे। ध्यान दईए, यीशु मसीह अन्ने वास्ते काम नहीं करनगे, यीशु मसीह किहदे वास्ते करनगे, जिहड़ा की है सजखा है, जिहड़ा दिन विच चलदा है, जिहड़ा ज्योति विच चलदा है, जिहड़ा लाइट विच चलदा है। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का की है चानण है, तुसीं जगत दी की हो ज्योति हो। सो जिहड़ी ज्योति है उहदे वास्ते यीशु मसीह प्रार्थना करदे, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह किहदे वास्ते दुआ करदे है जी, जिहड़े लोक अन्ने नहीं है, हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, एक बारी जोरदार हालेलुया बोलो। हाँ जी, हुण अज तो इस गल सीख लिया, यीशु मसीह किहदे वास्ते दुआ करनगे, बोलो तुसी बोलना है, यीशु मसीह किहदे वास्ते दुआ करनगे। हाँ जी, लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञा दी लिखण वास्ते, बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, यीशु मसीह सुजाख्या वास्ते दुआ करदे, अज बड़ा वड्डा भेद खुला है, हालेलुया 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 हालेलुया। सो असी हर दिन सुजाखे रहना है, कोई दिन ऐदा नहीं कि अज मैनूं बहुत काम है, अज मैं देखना नहीं है, अज प्रभु मेरी अखा बंद कर दे, अज मैनूं काम बहुत है, अज मैं तैनू नहीं देखना, अज मैं होर पासे नूं देखना है, अपने कम्मां नूं देखना अज। हाँ बोलो, बोलिए, फस जाने गए। हालेलुया हालेलुया। अजीजो प्रभु काम दिंदा है, बहुत सारा काम दिंदा है, दिन रात काम दिंदा है, हालेलुया, लेकिन ओनू की है देखना है, हालेलुया हालेलुया। बोलो जेड़ा ओदे काम नु करदा है, प्रभु भी ओदे वास्ते की है दुआ करदा है, हालेलुया हालेलुया। बोलो, हाँ जी, उच्ची बोलो, यीशु मसीह कहने वास्ते दुआ करते हैं, जेड़े सुजाके हैं, जेड़े ओदे काम नु करते हैं, हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, वचन पढ़ा के रसूलां दे कर्तव्य, हाँ जी, 5:31 है, धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। रसूलां दे कर्तव्य 5:31 है, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ।
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਕਮ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਬੋਲੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਲਾਓ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀਏ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਹੱਦ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਅਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜਾਉਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਖਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 17 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 17 ਦੀ 31 ਆਇਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕਿੰਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਆ? ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵਾਲ ਕੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ।
सो आइए सानू इस चीज़ का पता लगा है कि यसु मसीह साढ़े वास्ते सब कुछ कर सकते लेकिन अजीजो जो विश्वास करते हैं तो बोलो जो असं विश्वास करते हैं तो यसु मसीह साढ़े वास्ते बोलो की है मुक्ति दाता है वो साडा सब कुछ है वो साडा तारनहारा है वो सानू मुक्ति दे सकता है सानू बीमारियों तो चंगा कर सकता है साडे काम कार नू वधिया कर सकता है साडे घर में खुशी लैके आ सकता है साडे घर में आनंद लैके आ सकता है सानू किसी चीज़ की कमी नहीं रहन देगा हालेलुया हालेलुया सो अजीजो असं सारा कुछ उस तो ले सकते हैं कोई समा होंदा है कोई समा होंदा बीमारी आ सकती है कोई समा होंदा कि पैसे की कमी आ सकती है कोई समा होंदा कि घर दे विच कोई ना कोई मंदगी आ सकती है लेकिन प्रभु रहन नहीं देगा हालेलुया अजीजो अगर बीमारी नहीं आती अगर परेशानी नहीं आती अगर पैसे की कमी नहीं आती है तो सीख नहीं सकते सानू सिखाने के वास्ते प्रभु बीमारियों आन दिता परेशानियों आन दिता और दसदा कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता है जन्म के अद्धे दिन अखा मैं की है खोल सकता हालेलुया मैं तनु मुक्त कर सकता तनु पापा तो आजादी दे सकता तुहाडे सारे बंधन मैं तोड़ सकता हाँ हालेलुया सो आइए धन्यवाद करांगे दिल नु खोल के धन्यवाद करिए हालेलुया धन्यवाद हालेलुया 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 राजा जी तुहाडा शुक्र है प्रभु जी तुहाडा शुक्र है आलमाइटी गॉड आलमाइटी जीसस तुहाडा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ए यसु ए प्रभु जी तुहाडा शुक्र है हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया सब लोग अखंड बंद करिए हालेलुया यसु की स्तुति दिल तो धन्यवाद दिल तो बलिदान देना है हालेलुया अन्ने ने ओदी बड़ियाई की अन्ने विश्वास किया अन्ने ने ओदे के मत्था टेकया हालेलुया यसु के लहू की जय हालेलुया 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 ऐ यसु ऐ प्रभु तुहाडा धन्यवाद करते तुसी अपने बच्चों ते अपने भेद नु खोलिया है और एक एक ने तैनु जाणिया है तुहाडे वचन नु सिखिया है और प्रभु जी सिख के आशीष पाई हुण धन्यवाद कर रहे ने बाप तुहाडा शुक्र है हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 राजा प्रभु तेरा धन्यवाद दबा के धन्यवाद करिए हालेलुया 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 यसु राजा राजा दा राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद स्तुति के योग महिमा के योग आदर के योग हालेलुया सब कुछ करने वाले मेरे प्रभु मेरे राजा प्रभु तेरा धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया हालेलुया राजा प्रभु तुहाडा शुक्र है धन्यवाद 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 यसु नाम में कुदरत पाई जाती है पाकलाम में कुदरत पाई जाती यसु नाम में कुदरत पाई जाती है यसु नाम में कुदरत पाई जाती है पाकलाम में कुदरत पाई जाती है पाकलाम में कुदरत पाई जाती सोना में कुदरत पाई जाती है
बहता